मम्मी पापा हम आम का पेड़ लगाएंगे। मम्मी हम अमरूद का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ हाँ गट्टू चिंकी, आम का भी लगाएंगे और अमरूद का भी लगाएंगे, ठीक है। तभी वहाँ पर बंटी आया। गट्टू मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा, मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने आम का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना आम का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया। देखो मेरा आम का पेड़ लग गया, अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। गट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ही फल मिलेंगे, अरे इंतजार करना होगा। चलो ना अब मेरा अमरूद का पेड़ लगाते हैं, मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊँ। आओ चिंकी अपना पौधा यहाँ लगाओ। गट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का अमरूद का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और उसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए। बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी तुम्हें पता है फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह ये तो अच्छी बात है, मेरा अमरूद का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे अमरूद खा सकूं। हाँ मेरा आम का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा, मैं इसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए। देखो मैंने फूलों का पेड़ लगाया है, मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ हाँ बंटी क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े।